का उसके करीब नहीं जाना, तो करीब जाओ उस कमरे के पास भी नहीं जाएगा आदमी। हमारा है कोई, हमारा अल्लाह है जिसकी किस्मत के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मिला है। इस कलमे को अपनी जिंदगी के अंदर उतारो और जिंदगी उतर बदला जाए और ईमान को लोग के अंदर उतारा जाए, वरना तबाही तबाही है, खून ही खून है, मुसीबत ही मुसीबत है, भाई भाई को नहीं देख पाएगा। वरना ईमान जब उतरेगा, ईमान उतरा था सहाबा के अंदर, यही वो सहाबा हैं जो ऊंट की बुनियाद पर लड़ते थे तो बर्तों को दर्द आते थे, यही वो सहाबा हैं कि मैदान में लेटे हुए हैं, जान निकलने वाली है और उनके पास पानी लाया गया, उन्होंने पानी का इशारा दे दिया कि मुझे पानी पिला दो। इतने में पड़ोस के साथी ने इनके इशारा किया, उसने आह की, इन्होंने कहा मुझको नहीं, उसको पहले पिला दो। और उसके पास जब गए तो तीसरे ने आह की, उन्होंने कहा उसको नहीं, पहले उसको पिला दो। और तीसरे को पिलाने गए, उसका इंतकाल हो गया, इसका इंतकाल हो गया, इसका इंतकाल हो गया। ये थे ईमान कुलूब के अंदर उतरा हुआ, अपने भाई से पहले पानी नहीं पीना है, जान देनी। ईमान कुलूब के अंदर उतरा, हम आखिरत के आदमी हैं, हम जन्नत के लिए पैदा हुए हैं, उसी की हमको फिक्र है, उसी में हमको जाना है और उसी की तैयारी के लिए हम पैदा हुए। तो इन्होंने कहा से जान दे दी और पानी नहीं पी, चल देगा कोई सोच भी नहीं पाएगा, उसके घर वाले भी नहीं सोच पाएंगे। उन घर वालों को कहा सोचो, जिन्होंने जब अपने भाई से कहा पीने के लिए, उसने कहा नहीं उनके पास कर दो, वो दादा प्यासे हैं वहां ले गए, वहां से वहां ले गए, जिन्होंने प्यासे जान दे दी पानी नहीं पिया। ये वो थे जिनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह था और वो समझते थे आखिरत की है, हम उसकी तैयारी के लिए दुनिया में आए हैं और ये ईमान उसकी बुनियाद है। जितना दिलों के अंदर ईमान बनेगा और कुलूब के अंदर यकीन आएगा और अल्लाह की अजमत को बढ़ाई आएगी, और जितना अल्लाह से होने का यकीन आएगा, राहत ही राहत हो जाएगी, दुनिया का गम मिट्टी हो जाएगा। दुनिया के होने का और दुनिया के न होने का, भूख के होने का, भूख के न होने का, कुछ है नहीं तब भी और है तब भी, अल्लाह का यकीन इसको हर वक्त से निजात दे देगा। अल्लाह का अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी नहीं बनती, ये थोड़े पे कि ये भी होगा वो भी होगा, दिल के अंदर ये दावत की एक मेहनत है, अल्लाह ने चलाई है पूरी उम्मत के दिल का। दिल बहुत कमजोर होता है, इसको सही करना पड़ेगा, इसके अंदर अल्लाह की अजमत और बड़ाई को बैठाना पड़ेगा, बड़ी जल्दी उलट फेर कर जाता है। एक सहाबी के बारे में आता है कि मक्के मुकरमा के अंदर एक औरत से ताल्लुक था, ये जा रहे थे रास्ते में से जा रहे थे, उस औरत ने छत पे से इसको आवाज दी, इन्होंने उसको देखा, उस औरत को देखने के बाद में कहने लगे अभी तो मैं जा रहा हूँ हरम में, हरम से लौटने के बाद आऊंगा। हरम में इनकी मुलाकात हो गई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ईमान की दावत दी और कलमे की दावत दी। ये ईमान ले आए और ईमान लाके वापस हुए तो उस औरत ने पुकारा, ये निगाह नीचे किए हुए चले जा रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने पुकारा तो उन्होंने जवाब ये दिया, मैं वो नहीं हूं जो गया था, मैं बदल गया। उस औरत को जवाब दिया, मैं वो नहीं हूं जो गया था, मैं बदल गया, अब मैं बदल गया। यह ईमान जब दिलों के अंदर आता है और हकीकत के अतबार से उतरता है कि हमारा माबूद अल्लाह जल्ला शानू है,
हमारी दुनिया और आखिरत को बनाने वाला अल्लाह जल्ला शानहू है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह के हुक्मों में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। जितनी हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर आएगी और अल्लाह के यकीन के असल में यकीन हमको तोड़े हुए भी यकीन कुलूब ने नहीं दिया, इस वजह से हर चीज से डरते हैं। कोई सी चीज कुर्ब से हुई तो डर गए, जरा सा छिपकली देख ली तो डर गए, जरा सा किसी चीज का खतरा हुआ ये कम दिखी तो डर गए। अरे तुम डर रहे हो जिसका माबूद अल्लाह जल्ला शानहू है, जिसने वादा किया कि मैं तुम्हारा नाज़िर हूँ। जमीन पे चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के पीछे ना हो। अल्लाह ताला पूरी कायनात के हर चीज हर इंसान जानवर पूरी कायनात की सृष्टि करने इतना नाज़िर है जिसका परवरदिगार और जिसका खालिक और मालिक और जिसका रब अल्लाह जल्ला शानहू हो और जिसको हम मानते हैं और उसका यकीन हमारे दिलों के अंदर हो तो हम दुनिया से डर जाए। कौन सी चीज दुनिया से हमको डराने वाली है, इसका खौफ बता दो। खाने की कमी का उसका परवरदिगार हमारा वादा कर चुका, जब इसका है कि हमारा यकीन बिल्कुल नापायदार हो चुका है, दिलों का यकीन बिल्कुल छोटा होता चला जा रहा है और दिल अल्लाह के हुक्म तो बुराई से खाली होते चले जा रहे और यकीन की दावत कमजोर होती चली जा रही। और जितना यकीन की दावत है सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह की यकीन को दिल में पैदा करने में है, उससे ज्यादा कोई खुशहाल नहीं है। जिसका यकीन जितना मजबूत होगा और जितना अपने परवरदिगार पर बना होगा और जितना अल्लाह का यकीन दिलों के अंदर उतरा हुआ होगा वो सबसे ज्यादा खुशहाल होगा। और जिसका यकीन जितना कमजोर होगा कुफ्र सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है, काफिर की तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते और मुसलमान की खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमान अपने यकीन को बना ले, काफिर तो हर वक्त गम में रहता है, उसका अल्लाह पे यकीन नहीं है, उसका असबाब पर यकीन है, वो आखिरत को असल नहीं कर समझता है, वो दुनिया को असल समझता है। हम सब आखिरत को असल समझ रहे हैं, दुनिया तो हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है, दुनिया तो हमको दी गई आखिरत की तैयारी के लिए, हम दुनिया में तो आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। ये दुनिया हमारी कोई प्याम भी नहीं है, कितने कितरेगा आदमी, किसी को पता है कोई बता दे, किसी को पता है कोई बता देगा कितने दिन यहाँ पर प्याम है, ये तो धोखे धोखा है, असल तो प्याम हमारा आखिरत का है। अच्छा जितना दिलों के अंदर यकीन बैठेगा और अल्लाह की अजमत तो भराई और अल्लाह के होने का यकीन और अल्लाह हमारा रब है वही हमारा राजिक है उसी ने हमसे वादा किया अलग तो रब तुम क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ, उसी से हम इकरार करके आए कालू बला शहीदना कि आप ही हमारे रब है आप ही हमारे परवरदिगार है और यही हमारा सबसे पहला जवाब होगा। मन रब का तुम्हारा रब कौन है, कब्र के अंदर आप यही शहादत पूछी गई, तुम्हारी कब्र में पूछी जाएगी तुम्हारी शहादत क्या है तो इसकी शहादत होगी रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह जल्ला शानहू है, ये तो इसका जवाब होगा जब इससे पूछा जाएगा मन रब का रब्बी रब्बी ला रब्बो मुबिल सिराज दीनो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलो नबिया और शहादत इसकी होगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही है अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी का बनाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नफा पहुंचाने वाले एक जात पे जितना है जो जिसकी जिंदगी चाहे बनाए और जिसकी चाहे उजाड़ दे। बड़ी शान है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो अपनी निस्बत को अपने परवरदिगार से जोड़ लेगा वो दुनिया और आखिरत में हर जगह खुश रहेगा। सारे औलिया अल्लाह और सहाबा इकराम इन्होंने अल्लाह से तो निस्बत जोड़ी, इससे निस्बत जोड़ी हुई अल्लाह से, अल्लाह के लिए जान देते थे, अल्लाह के लिए जान देने का नंबर आ जाए फिर देखो। एक सहाबी हैं,
उनको अमीर बनाया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में एक लश्कर का आउट ऑफ मुकाबले के लिए भेजा। बड़ी जबरदस्त बहुत भारत थी उसकी मुकाबले के लिए गए। उन्होंने कहा देखो अपनी लश्कर से तुमसे हम तीन बात कहते हैं, तुम सुन लो। जब मैं पहली तकबीर कहूंगा तो वजू कर लेना, और जब मैं उसे दूसरी तकबीर कहूंगा तो अपने हथियार वगैरह को पूरे तौर पे देख लेना कि सब सही है, सही तालीम है, और जब मैं तीसरी तकबीर कहूंगा तो हमला कर देना एकदम। और मैं ये दुआ कर रहा हूं तुम सब उस पर आमीन करना। सहाबा कहते फिर उन्होंने दुआ की, अय अल्लाह इसमें मुसलमानों को फतेह दे दे, और ऐसी फतेह दे दे कि जिससे मुसलमानों की इज्जत दुनिया में छा जाए, और मुझको इस जिहाद के अंदर शहीद कर दे। ये शहीद हो गए और मुसलमानों की फतेह, ये है जान की दांव लगाने पे। मुसलमानों के लिए मैं अपनी जान को लगा रहा हूं, मैं अपनी जान को तेरे लिए पेश कर रहा हूं, तू इसको कबूल कर दे और मुसलमानों को फतेह दे। कहते इतनी देर की नहीं लगी थी, जितनी देर बकरी का दूध दिया दुआ जाता है और मुसलमान को क्या होता है। और साबित है जब मैं इनके पास में आया तो ये देते हुए इनके तीर शहर में लगा लेते। मैंने आज पूछा क्या हाल है, इन्होंने पूछा मुझसे क्या हाल है। मैंने कहा अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दे दी, फरमाया अमीरुल मोमिनीन को इसकी इत्तला दे देना और खुद शहीद हो गए। लगाओगे कोई दम या बचाओगे? यह अल्लाह का रास्ता है। ये दुनिया के लिए कितनी जान जा रही है, कितने लोग कहां से कहां तक सफर कर रहे हैं, वही मर जाते हैं, ना माँ बाप ने देखा ना बाप ने देखा, सिर्फ दुनिया के लिए। जहां चाहो मुसलमान को और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ना।